इस दुनिया में कौन नेगेटिव नहीं होता। हर एक के पास एक नेगेटिव साइड भी होती है और पॉजिटिव साइड भी होती है, और वो अपने अपने नजरिए पर डिपेंड है कि हम अपने आप को कौन सी साइड से देखते हैं। और एक बात जान लीजिए कि अपने आप में और दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढना ये भी बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के अंदर नेगेटिविटी देखते देखते अपने अंदर नेगेटिव होते जाते हैं। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पर। एक शिकारी था। शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। एक अद्भुत कुत्ता, ऐसा कुत्ता कि जो पानी में चल सकता था। शिकारी उस कुत्ते को अपने दोस्त को दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि मेरे पास ऐसा कुत्ता है। उसे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि वो अपने दोस्त को काबिले गौर चीज दिखाने वाला है और उसी के पास ऐसा कुत्ता है, ये समझाना चाहता है। उसने अपने दोस्त को बतख का शिकार करने के लिए बुलाया। कुछ ही देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस शिकारी ने कुत्ते को उन मरे हुए बतखों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता बतखों को लाने के लिए पानी के ऊपर दौड़ने लगा। उस शिकारी से रहा नहीं गया और घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि क्या तुमने उस कुत्ते में कोई खास बात नहीं देखी। दोस्त का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि हाँ, मैंने उसमें खास बात ये देखी कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। सोचिए कि उसका कुत्ता पानी पर चल सकता था, फिर भी उसने नेगेटिव चीज देखी कि उसका कुत्ता तैर नहीं सकता। ऐसे ही होते हैं जिंदगी में कुछ लोग, चाहे कितना भी अच्छा दिखा लो, चाहे कितनी भी अच्छी बात कर लो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें जरूर ढूंढ लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही देखते रहते हैं। वैसे एक बात जरूर याद रखना कि एक सिक्के की दो साइड होती है, वैसी ही हर एक की जिंदगी होती है, एक अच्छी साइड और एक बुरी साइड। और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो गारंटी है कि तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव साइड है उसी को देखेंगे। अगर यहां तक तुमने मुझे सुन लिया है तो एक बात माइंड में फिट करके रखो कि ऐसे लोगों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जिंदगी में तुम जो करना चाहते हो उस पर पहले फोकस करो, नेगेटिव लोगों पर कभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ मैं ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो मैंने मोस्टली नेगेटिव लोगों के अंदर देखे हैं। नंबर वन, वो अपनी जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें ही तलाशते रहते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी उसकी जिंदगी क्यों ना चलती हो, वो कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में नेगेटिव सोचता ही रहेगा। नंबर टू, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो बत्ती बुझाकर भी देखना चाहता है कि अंधेरा कितना गहरा हो सकता है। नंबर थ्री, नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं कि मोस्टली उसका टाइम दूसरों की शिकायतों को गिनने में ही चला जाता है और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। नंबर फोर, जब बात करने के लिए उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होता है तब वो सैड हो जाता है, नाराज हो जाता है जितने लोग बोल रहे हैं उन लोगों से। नंबर फाइव, ऑनलाइन लोगों की बात करते हैं कि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, कितना भी अच्छा वीडियो दिखा दो वो लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे ही करेंगे, और कुछ लोग इस वीडियो पर भी डिसलाइक करके जरूर जाएंगे क्योंकि वो हर एक चीज में नेगेटिविटी ढूंढते ही रहते हैं। चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, चाहे कितनी भी अच्छी बात बोल दो, वो लोग नेगेटिव रहेंगे ही रहेंगे। नंबर सिक्स, वो लोग चांद को नहीं देखेंगे कि इतना चमक रहा है, वो लोग ये देखेंगे कि चांद के अंदर भी धब्बा दिखाई देता है। नंबर सेवन, वो सोचते हैं कि सूरज सिर्फ और सिर्फ परछाई पैदा करता है और उसी लिए वो चमकता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि सूरज हमें रोशनी देने के लिए चमकता है। नंबर एट, बेकार से बेकार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उसको सुधारने के लिए सोचते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो उस सिचुएशन को और भी बेकार बना देते हैं और भी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ कर देते हैं और वो पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते हैं। नंबर नाइन, वो ये सोचकर अपनी जिंदगी को बिंदास नहीं जी पाते कि आज अगर मैंने कुछ कर लिया तो कल मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, और इसी सोच में वो अभी के टाइम में खुश नहीं रह पाते। नंबर टेन,
वो जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी का नुकसान नहीं हो सकता और किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, फिर भी वो खतरा उठाने से डरते हैं और वो कभी भी दूसरों की हेल्प के बारे में सोचते ही नहीं। वो बस यही सोचते हैं कि मैं भी नेगेटिव हूँ और दूसरे भी नेगेटिव ही रहेंगे और दूसरे लोगों को पॉजिटिव करने के लिए खुद पॉजिटिव कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने आप को नेगेटिव ही समझते रहते हैं। वैसे इन नेगेटिव लोगों के लक्षण अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, फिर भी इतना जान लो कि ये जो बातें मैंने कही वो मोस्टली नेगेटिव लोगों में मिलती हैं। सो पूरे वीडियो को समअप किया जाए तो एक बात याद रखना कि हमेशा अपने अंदर और दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखने की ट्राई करो। खुद को खुश रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि तुम अपने आप को पॉजिटिव बना लो, इतना पॉजिटिव कि लोग तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचने से पहले भी तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में सोचें। और कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं उसे कहीं पर लिख के रखो, ताकि जब भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आए तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला सको कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हो। उन नेगेटिव लोगों की तरह बेकार जिंदगी नहीं जीनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है कि तुम्हें को याद रखे। और दूसरी बात, अगर तुम ये सोचकर दुखी रहते हो कि तुम्हारी सैलरी बहुत ही कम है और दूसरों की तुमसे बहुत ही ज्यादा है, दूसरे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो उसकी दूसरी साइड को भी देखने की कोशिश करो कि वो लोग जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना ज्यादा वो अपना टाइम भी देते हैं उसमें, और उतना ही कम टाइम वो अपनी फैमिली के साथ निकालते हैं। तो देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी सबसे बेटर है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी को ढूंढना है और उसे लोगों के सामने लाना है। ये नहीं सोचना है कि दूसरों की तनख्वाह ज्यादा है तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि तुम जितने भी पैसे कमाते होंगे तुम अपनी फैमिली को बहुत ही खुश रखते होंगे और उनको टाइम भी देते होंगे। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो तो ये बात याद रखो कि भले ही उसके मार्क्स ज्यादा आते होंगे लेकिन तुम में कितना टैलेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कितना है और तुम अपनी जिंदगी को उससे भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि तुम पॉजिटिव इंसान हो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है, बस उसको बाहर लाना सीख लो। पॉजिटिव चीजों की तलाश करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर मिलेगी और एक ऐसी जिंदगी तुम जी पाओगे जो किसी ने नहीं जी होगी। तुम्हारे अंदर बहुत सारा पावर है, तुम जो भी सोचोगे वो तुम कर सकते हो, बस तुम्हारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात लिख कर ले लो, अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हें पॉजिटिव चीजें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया अगर नेगेटिव है तो तुम अपने आप को कमजोर फील करोगे। तुम अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लो कि पूरी दुनिया तुम्हें याद करे। मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को पॉजिटिव बना सकते हो और उसके साथ साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में तुम अपना नाम भी बना सकते हो और जो चाहो वो पा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक आने वाली जिंदगी के लिए।